आज अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तेंदुए को संरक्षण देना है। जयपुर वन विभाग ने तेंदुए के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके चलते इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के उपवन संरक्षक जगदीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि पहले तेंदुए की संख्या 10 से 15 थी, जो बढ़कर 40 हो गई है। उन्होंने कहा कि तेंदुए के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज इंटरनेशनल डे लेपर्ड के संरक्षण और इसकी अवेयरनेस के लिए बनाया जाता है, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। लेपर्ड्स जैसे अब भारत में तो संख्या बढ़ रही है ऑलमोस्ट, लेकिन अदर कंट्रीज में संख्या घट रही है, तो इसके संख्या घटने के को रोकने के लिए उनमें पब्लिक के प्रति इसमें जागरूकता पैदा करने के लिए कि वन्य जीव को संरक्षण किया जाए, उस बारे में इसको बनाया जा रहा है। अपने राजस्थान में देखा जाए तो हर जगह लेपर्ड्स काफ़ी बहुतात में पाया जाता है, और विशेषकर जयपुर में आज छोटे से हमारे जो पॉकेट से बने हुए हैं, आमागढ़ है, झालाना है, इनके अंदर काफ़ी संख्या में लेपर्ड की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो एक हमारे विभाग के द्वारा किए गए सकारात्मक कदम के कारण हुई है। यहाँ पर चार जो वन ब्लॉक बने हुए हैं, फॉरेस्ट ब्लॉक हैं, इनके चारों तरफ दीवारें बनाई गई हैं, उन दीवारों से इनका संरक्षण हुआ है, वनस्पति पनपी हुई है। पहले जहाँ 2015 में लगभग यहाँ 12-15 लेपर्ड देखे जाते थे, आज की संख्या में 40 से ऊपर लेपर्ड झालाना के अंदर हैं, लगभग 18 लेपर्ड अपने आमगढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं।